दुमका जिला के मसलिया प्रखंड स्थित भालुक सुंदिया गांव के 42 परिवार के लोग रात में डर के साए में बिता रहे हैं। दरअसल इस गांव के लिए 16 केवीए का ट्रांसफार्मर लगाया गया था, लेकिन चुनाव से पहले इसे चोरी कर लिया गया। इसके बाद से विभागीय अधिकारियों ने इसकी जांच करने के बाद तुरंत लगाने की बात कहकर चले गए, लेकिन इतने दिन बीतने के बाद भी गांव में ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर ठीक हो और बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चालू किया जाए। मसलिया से केसरीनाथ की रिपोर्ट। बहुत दिन पहले से ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, तब से अंधेरा में जी रहे हैं, पढ़ाई हो रहा है और इंक्वायरी किया, अभी तक नहीं लगाया है। ये ट्रांसफार्मर चोरी हुआ है इलेक्शन के पहले, 16 के भी का ट्रांसफार्मर, और ये ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग के यहाँ इंक्वायरी करने के भी आया है, तो कौन कंपनी से आया था वो भी हम लोग का मालूम नहीं, लेकिन बोला था कि हाँ 2-4 रोज में हम लोग ट्रांसफार्मर ला के लगा देंगे, तो कहाँ अभी तक 2-3 महीना हो गया, अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, अभी तक हम लोग अंधेरा में हैं। लाइन के बिना तो बहुत परेशानी होता ही है, अभी तो 4-5 महीना होने वाला है, इतना दिन से नहीं लगाया है, इसलिए पढ़ने में और कुछ में तो दिक्कत परेशानी तो होता ही है।